दोस्तों, शिशु यूनिवर्सिटी ने 19 सितंबर को पीजी की ओपन मेरिट लिस्ट का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें मेंशन किया था पीजी की ओपन मेरिट लिस्ट पहली आपकी जो कैंपस के कॉलेज की रहेगी वो 21 सितंबर को आने वाली है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इसके अंदर मेंशन किया गया था जो पीजी के एक तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आप 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पीजी के लिए, कैंपस के लिए या फिर कॉलेज के लिए। साथ में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप रहेगा ओपन ऑफर लेटर। तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ था या फिर मेरिट लिस्ट 1 मेरिट लिस्ट 2 के अंदर उसका अभी तक यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ है, तो अब वो अब क्या कर सकता है, आप अपना एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। यानी आपके ओपन मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, आज है 21 सितंबर और आज आपकी ओपन मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है, जो कि ओपन मेरिट लिस्ट 1 है, जिसमें आप 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक अपना यहाँ पे ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको आपको अपना 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक ही आपको कॉलेज में जाके सबमिट करा देना है। यानी जिसमें भी आपका ओपन मेरिट लिस्ट 1 में नेम आया जिस कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर, उसमें वहाँ पे जाके आपको अपना ये ऑफर लेटर डाउनलोड करके आपको वहाँ पे सबमिट करा देना है और वहाँ से स्टूडेंट कॉपी रिसीव कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, बात कर सकते पहले यहाँ पे पीजी एडमिशन की। तो देखिए दोस्तों, पीजी एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। आप 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आप यहाँ पे पीजी एडमिशन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे कैंपस हो या कॉलेज हो, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा आपको पोर्टल पे, जो कैंपस का कैंपस पे मिल जाएगा और कॉलेज है कॉलेज पे। यहाँ पे देखिए मैं कॉलेज पोर्टल में जाता हूँ, यहाँ पे आपको पीजी यहाँ पे एडमिशन का पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको सेम तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट का यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, 12 पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, रोल नंबर फिल करना है, रेड कैसे फिल करना है और सबमिट ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। तो पीजी के अंदर आपको एडमिशन कैसे लेना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जो चैनल पर आपको मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप पीजी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो कैंपस के लिए हो या फिर कॉलेज के लिए हो। अपना देखें यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, यानी फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने आपका जो ऑफर लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि ओपन मेरिट लिस्ट 1 होगा। उसमें आपका यहाँ पे ब्लैंक ऑफर लेटर होगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और इस ऑफर लेटर को डाउनलोड करने के बाद आपको 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपको जिस भी कॉलेज अंदर आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाके आपको ये ऑफर लेटर सबमिट करा देना है विद अपनी एप्लीकेशन आईडी के साथ। जो आपका एप्लीकेशन पीडीएफ फाइल रहेगी उसको भी आपको साथ में डाउनलोड करके और ऑफर लेटर को डाउनलोड करने के बाद दोनों का प्रिंट आउट निकालने के बाद कॉलेज में जाकर सबमिट करा देना है, चाहे आप कैंपस के अंदर एडमिशन ले रहे हो या फिर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो। अब देखिए दोस्तों, जिस स्टूडेंट का अभी तक मेरिट लिस्ट 1 के अंदर यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट 2 के अंदर का नेम नहीं आया है, अब वो ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर उसका नेम आ जाएगा। उसको चेक करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कैंपस का यहाँ पे लॉगिन दिखा देता हूँ। देखिए कैंपस का लॉगिन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का मेरे यहाँ पे लॉगिन करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसमें कैंपस के लिए उसने अप्लाई किया था, उसका देखिए यहाँ पे ओपन मेरिट लिस्ट 1 के अंदर उसका नेम आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, जिस स्टूडेंट का पहले यहाँ पे नेम आ चुका है किसी मेरिट लिस्ट के अंदर और उसने एडमिशन ले लिया है, वो ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर यहाँ पे अपना एडमिशन नहीं ले सकता है। या तो उसको पहले वहाँ पे अपना जो एडमिशन जो यहाँ पे लिया है पहले उसने उसको वहाँ पे कैंसिल कराना होगा, उसके बाद ही वो ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकता है। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ एडमिशन वही स्टूडेंट ले सकते हैं जिन्होंने अभी किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लिया है आपने किसी कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको अपना ओपन मेरिट लिस्ट 1 के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे कैंपस की यहाँ पे ओपन मेरिट लिस्ट 1 यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, इसको हमें डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके अंदर दो कॉपी होती है आपकी, एक तो होती है कॉलेज की कॉपी, जो फर्स्ट कॉपी होती है कॉलेज की कॉपी होती है, सेकंड होती है आपकी स्टूडेंट कॉपी। कॉलेज कॉपी में देखिए आपको आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी, किस डिपार्टमेंट के अंदर आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी आपकी। साथ में देखें यहाँ पे आपका ऑफर लेटर 1 रहेगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और साथ में इसमें मेंशन होगा कि 21 से लेकर 25 तारीख तक आपको ये ऑफर लेटर कॉलेज में सबमिट करा देना है। साथ में जो आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी वो 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में आपको अपना एडमिशन लेना है, अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आता है तो। यहाँ पे अपने कॉलेज का यहाँ पे जो कॉपी है उस पर आपको अपना साइन करना है, साथ में दूसरी कॉपी होती है स्टूडेंट कॉपी जो रिसीव करनी होती है आपको कॉलेज में सबमिट कराने के बाद, जिसमें देखिए आपको एक कॉन्फिडेंस नंबर होता है जिसको आपको एडमिशन प्रोसेस सबमिट करते वक्त आपको बताना होगा, और वो आपको स्टूडेंट कॉपी पर मेंशन होता है। यहाँ पे आपको कॉलेज के स्टैंप और साइन होंगे, तो इसको आपको रिसीव कर लेना है कॉलेज में जाके सबमिट कराने के बाद। अब साथ ही दोस्तों, मैं यहाँ पे कॉलेज के लिए आपको चेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पीजी कॉलेज के लिए स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया था, उसका देखिए यहाँ पे ओपन मेरिट लिस्ट 1 के अंदर नेम आ चुका है। तो यहाँ पे मैं ओपन मेरिट लिस्ट 1 के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए उसने यहाँ पे तीन प्रेफरेंस के लिए की, तीन अलग अलग कॉलेज के अंदर यहाँ पे अप्लाई किया था, तो तीनों में देखें उसका ओपन मेरिट लिस्ट 1 के अंदर यहाँ पे नेम आ चुका है। अगर आपने यहाँ पे तीन प्रेफरेंस के लिए अप्लाई किया है लेकिन आपको एक ही कॉलेज के अंदर यहाँ पे ओपन मेरिट लिस्ट 1 के अंदर नेम मिला है और
और आपको किसी अदर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको ओपन मेरिट लिस्ट 2 का वेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों कॉलेज की जो प्रेफरेंस है उसमें यहाँ पे ओपन लिस्ट 1 के अंदर यहाँ पे नेम आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ओपन मेरिट लिस्ट 1 के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेम तरीके से आपका कॉलेज कॉपी यहाँ पे डाउनलोड होगा और यहाँ पे स्टूडेंट कॉपी डाउनलोड, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसमें देखिए आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो भी प्रेफरेंस आपकी शो रहेगी, मेरिट इंडेक्स रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, साथ में डेट मेंशन होगी कब से कब तक आपको ये ऑफर लेटर सबमिट कराना है और एडमिशन ओपन कब से होंगे वो डेट मेंशन होगी। तो आपको इसको डाउनलोड करके इस पर साइन करके आपको स्टूडेंट कॉपी को रिसीव कर लेना है कॉलेज में सबमिट कराने के बाद अपना कॉलेज कॉपी को। तो ये आपका प्रेफरेंस है हमारी कॉलेज की। तो अगर आप जिसमें भी आपको ओपन मैच लिस्ट जिस कॉलेज प्रेफरेंस को आपने ऐड कराया था अपने पीजी एडमिशन फॉर्म को फिल करते वक्त, उसमें आपकी जो ओपन मैच लिस्ट 1 के अंदर जिस कॉलेज अंदर एडमिशन नेम आ चुका है ओपन मैच लिस्ट 1 के अंदर, उसको आपको डाउनलोड करके आप उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करा लीजिएगा। जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना ओपन मैच लिस्ट यहाँ पे फर्स्ट जो है डाउनलोड कर लेनी है, उसको प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में सबमिट करा लेना है 21 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में। और फिर ओपन मैच लिस्ट फर्स्ट का जो ऑफर लेटर आपको सबमिट कराने के बाद आपकी मैच लिस्ट लगाई जाएगी कॉलेज के अंदर, जिसमें आपको प्रवेश दिया जाएगा 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर इन 3 कार्य दिवस के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। जिसमें आपको क्या क्या लेके जाना है अपना, जिसमें आपको अपने 10, 12th यूजी की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, फोटो और जो कॉलेज की फीस है, जो भी कोर्स की फीस है आपको, वो ले जाके आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है और वहाँ से आपको अपनी जो पेमेंट की स्लिप है उसको आपको रिसीव कर लेना है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे पीजी की जो पहली मेरिट लिस्ट है आज 21 सितंबर को यहाँ पे जारी कर दी गई है, इसमें ओपन मेरिट लिस्ट 1 है। और साथ ही जो नए स्टूडेंट हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा, उन्होंने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में वो पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कैंपस और कॉलेज के लिए। और उसके बाद अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करके 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में कॉलेज में जाके सबमिट करा देना है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी जो 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में आपका एडमिट प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है हमारा, जो कि पीजी का एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, साथ में जो जिस स्टूडेंट का अभी तक एडमिट लिस्ट में नेम नहीं आया था वो अपनी ओपन मेरिट लिस्ट में अपना नेम चेक कर लीजिएगा और अपना यहाँ पे ऑफर लेटर डाउनलोड करके उसको कॉलेज में सबमिट करा दीजिएगा, ताकि वो 26 से लेकर 29 सितंबर के बीच में अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। थैंक यू।